नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमें पता है पटवारी के प्रथम दिन का पेपर हो चुका है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो वो हमारे परीक्षार्थियों को याद रहे उनके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी लोगों ने शेयर किए हैं, तो उन्हीं शेयर हुए क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया है और उनके आंसर भी इस वीडियो में डाल रहा हूँ मैं, और साथ में उनसे जुड़े हुए जो आजू बाजू के तथ्य हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हो सकता है कि उन्हीं क्वेश्चन से जुड़े हुए आजू बाजू के जो तथ्य हैं वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए और इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको आगामी एग्ज़ाम में मिल जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ज्ञानी जेल सिंह की समाधि का नाम पूछा गया है, तो इसका नाम है एकता स्थल। तो दोस्तों हम अब समाधियों से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल हो रही है, तो हम और कुछ जो प्रभावी नेतागण रहे हैं उनकी समाधि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है भीमराव अम्बेडकर, उनकी समाधि का नाम है चित्रभूमि। गुलजारी लाल नंदा की जो है उनका जो समाधि है उसका नाम है नारायण घाट। इंदिरा गांधी जी की जो समाधि है उसका नाम है शक्ति स्थल। जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि उसका नाम है शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम है विजय घाट। महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम सभी लोग जानते होंगे राजघाट है। राजीव गांधी जी की समाधि का नाम है वीरभूमि। और शंकर दयाल जी शर्मा जो हमारे राष्ट्रपति थे उनकी भूमि समाधि का नाम है कर्मभूमि। दूसरों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था कि भारत के किस शहर में राष्ट्रीय समाधि स्थल है, तो दोस्तों दिल्ली में है ये। तो दोस्तों समाधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एकाद आ सकता है अगले एग्ज़ाम में, तो इनका नाम आप ज़रूर याद रख लीजिए जितनी मैंने डिस्कस की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अभी तक आंसर उसका कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग और सर्च कीजिए। एक क्वेश्चन आया था कि किस मुगल शासक ने ईसाई धर्म के प्रचार को करने का अनुमति दिया था, तो इसमें मुझे अकबर या फर्रुखशायर का इसका आंसर लग रहा है, तो इस बार आप कंफर्म कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आया था कि मोहम्मद गोरी ने किस काल में दिल्ली पर आक्रमण किया, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो पृथ्वीराज चौहान इसका आंसर है। अब हम थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के बारे में और मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि हो सकता है इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए। तो मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, इसने 12वीं शताब्दी में अफगान योद्धा था जो गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक राज्य का शासक था। तो मोहम्मद गोरी ने 1173 में गौर शासक बन गया था ये, और इसने पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर दिल्ली पर आक्रमण किया था, और इसने जो मोहम्मद गजनवी के वंश थे उनसे राज्य अधिकार छीनकर एक नया इस्लामी राज्य की स्थापना की थी, और इसने मोहम्मद गोरी के साथ दो युद्ध लड़े थे, इनको तराबा इनका युद्ध बोलते हैं, ये 1191 और 92 में हुए थे। तो इतनी डिटेल है, और भी आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो आया था कि सफदरगंज का मकबरा किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था नवाब सौजाद दौला ने, और किस तिथि को बनवाया ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 1754 में बना था, और ये किसकी याद बना था, तो नवाब साजुद्दौला ने अपने पिता आदम शाह बहादुर की याद में ये बनवाया था सफदरगंज का मकबरा, ये दिल्ली में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 मेल्स पर क्या फीमेल है, तो 939 फीमेल है, 943 मीन्स एक सेक्स रेशो पूछा गया था लिंगानुपात, तो 943 है इंडिया का इस टाइम। और मध्य प्रदेश का पूछ सकते हैं अब अगले क्वेश्चन अगले पेपरों में, तो 931 है। सेक्स रेशो में टॉप करने वाला राज्य कौन सा है, केरला है, और 2001 में क्या था, ये 933 था, और मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है, ये बालाघाट है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो और भी आप डिस्कस कर लीजिए।
एक और क्वेश्चन एमपी से रिलेटेड पूछा था कि छिंदवाड़ा की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो भारिया जनजाति है, जो बेली है छिंदवाड़ा की, पातालकोट बेली, वहां पर इसकी अच्छी खासी जनसंख्या रहती है। एक और क्वेश्चन पूछा था हलाली परियोजना पे, ये किस नदी पे है, तो ये हलाली नदी पर है बेसिकली। अब हलाली नदी क्या है, बेतवा की एक सहायक नदी है और ये एक रिजर्वायर है जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, हलाली रिजर्वायर। तो ये सब क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो परियोजना, नदी परियोजना आप जरूर पढ़ लीजिए, कोई ना कोई नदी की परियोजना जरूर आएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश की पहला आईपीएस कौन थी महिला में, तो ये आशा गोपाल थी। तो मध्य प्रदेश की प्रथम आईएएस जो महिला है वो सरला ग्रीवाल है। एक क्वेश्चन आया था कि मध्य चिपको आंदोलन किसने शुरुआत किया, तो 1973 में स्टार्ट हुआ था और इससे जुड़े हुए सुंदरलाल जी बहुगुणा हैं, बिश्नोई लेडीज हैं, तो ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि स्माइलिंग बुद्धा क्या है, तो स्माइलिंग बुद्धा जो रखा गया था नाम, इंडियन जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था फर्स्ट हुआ था पोखरण में, उसको स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था। तो स्माइलिंग बुद्धा के बारे में भी पूछा गया था और ये 1974 में हुई थी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम इंडिया की, तो इसको भी ये पूछा गया है। एक और क्वेश्चन आया था कि उदयगिरी और खांडगिरी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, तो ये कटक उड़ीसा में है, इनको कटक केव भी बोलते थे पहले। और एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट स्टेट जीएसटी लागू करने वाला कौन है, तो ये आसाम है। आप मध्य प्रदेश का भी ध्यान रख लीजिए कि किस डेट को उसने किया था जीएसटी, आ सकता है। भारत के कैग कौन है, ये क्वेश्चन आया था, तो श्री राजीव महर्षि हैं। और कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपटरलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आप याद रख लीजिए। हाँ, नेशनल स्पोर्ट डे की तारीख आई थी कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त आया है ये, और ये किसकी याद मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस की याद में नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है, तो ये याद रख लीजिए, इस बार ये आ सकता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रथम मुख्यमंत्री का नाम आया था, तो रविशंकर शुक्ला हैं ये। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो उमा भारती हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सोनागिरी क्या है, ये क्वेश्चन आया था, तो ये जैन तीर्थ स्थल है ग्वालियर से 60 किलोमीटर की दूरी पर। एक और क्वेश्चन आया था कि नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार जो इसमें हुआ था कि एक यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया था, जिसमें बहुत सारी योजनाओं पर एक शॉर्ट जो फिल्म थी वो डाली गई है, तो ये नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन लागू हुआ था, आपको ये ध्यान है, 1994-93 में ये लागू हुआ था, इसीलिए इसी दिन को मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन आया था कि नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, तो ये इटारसी होशंगाबाद में है, एक और खोला गया है वो आंध्र प्रदेश में है। एक आया था पशु नियंत्रक एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब है, तो ये 1972 में बना था। एक एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश का मिर्च उत्पादक जिला कौन सा है, तो दोस्तों बड़वानी जिले को मिर्च उत्पादक जिला माना जाता है, क्योंकि प्रेजेंट सिनारियों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिर्ची उत्पादन हो रहा है। एक क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा है वो किस कंपनी द्वारा किया जाता है, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये इसके द्वारा किया जा रहा है फसल बीमा। एक आया था कि PMSKY जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कितना का है, तो 5 साल का है ये। तो दोस्तों योजनाएं जरूर पढ़ लीजिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन पीरियड और टाइम कब वो लॉन्च हुई, ये जरूर आ रही हैं। एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूलर रू आर अर्बन मिशन, इसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन, ये कब लॉन्च हुई, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में लॉन्च हुई थी, और ये प्रधानमंत्री ने इसको कहाँ से लॉन्च किया था, तो ये कुरुभाटा मोरमुंडा
आर अर्बन क्लस्टर बनाया था राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, ये लॉन्च हुई थी, इसको याद रख लीजिए। एक क्वेश्चन आया था IAY क्या है, तो IAY का फुल फॉर्म है इंदिरा आवास योजना, और ये 1985-86 में लॉन्च हुई है। तो योजना के तारीख जरूर याद रख लीजिए, काफ़ी सारे वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पे तारीख याद कराने वाले, तो किसी एक को देख लीजिए आप और उसको याद कर लीजिए। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके बारे में पूछा गया था, ये किस लिए बनाया गया, तो ये जो गरीबी को दूर करने के लिए मिशन बनाया गया है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2001 जून में लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकी मैथ जीके में ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं है, और इसके अलावा पंचायती राज को थोड़ा सा आपको मेहनत करके योजना रटना है। हिंदी बेसिक सी आ रही है, उसमें स्पेशली जो ग्रामर है, अलंकार और जो वर्ण विन्यास है कि कहाँ से कौन सा वर्ड है, वो आ रहे हैं क्वेश्चन, अलंकार के टाइप आ रहे हैं, और संधि के जो ग्रह हैं उनके एग्जाम्पल देख लीजिए, और तत्सम तद्भव शब्द के जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। तो इस तरीके से टोटली मिलाजुला पेपर आ रहा है, और जैसे जैसे आगामी तारीख बढ़ेंगी पेपर का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी अच्छे से तैयारी रखिए, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अपडेट हर दिन की आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।